असर रांची में पूरी तरह दिखा। पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है शहर। कचहरी चौक पर कुछ लोगों को पुलिस के हिरासत में लिया गया। ये मेरठ और उड़ीसा से आए हुए हैं। पुलिस की ओर से कहा गया है कि इनकी कोरोना की जांच की जाएगी। पुलिस ने कहा, आप लोग अपने घर में रहें, सरकार व पुलिस का सहयोग करें। 24 घंटे पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। रात में भी चेकिंग की गई। रांची में कुछ गणमान्य लोग भी गरीबों के मदद के लिए सड़क पर पानी, मास्क, बिस्किट बांटते दिखाई दिए। और खबर 365 न्यूज की तरफ से भी लोगों को घर में रहने की अपील की गई। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से जुबैर अहमद की रिपोर्ट। मैं खबर 365 के साथ जुबैर अहमद। आज मैं आया हुआ हूँ कचहरी चौक, जिसमें देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का असर जो है पूरी तरह से दिख रहा है, लेकिन प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी के साथ पूरी तरह तैयार है। लेकिन कुछ व्यक्ति को यहाँ पर जो है पकड़ा गया है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद कहाँ से आए हुए हैं? कोइंजर से आए भाई। मेरा कब रांची में कब पहुँचे आप? अभी बस अभी आए, अभी 5 मिनट हो गए। कहाँ जाएंगे आप? मेरठ शहर। जाएंगे कहाँ आप? मेरठ शहर। जाओगे कहाँ? मेरठ शहर जाएंगे, उत्तर प्रदेश, यूपी आओगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आदिल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व्यक्ति को यहाँ पर रोका गया है। प्रशासन जो है अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मैं ट्रैफिक अधिकारी से मैं बात करने की मैं कोशिश में करता हूँ कि ट्रैफिक अधिकारी अभी इन लोगों को जो पकड़ी है वो उसके बाद में कहाँ लेके जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो मिथिलेश सिंह हुआ। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये लोग उड़ीसा से आ रहे थे, इसी जगह हम लोग रोके हैं। अभी इनको कहाँ रिम्स भेजेंगे क्या आप लोग? अभी हम बड़े पदाधिकारी को खबर किए हैं, अब उनके आदेश जैसा होगा वैसा किया जाएगा। तो जैसा कि कहना है मिथिलेश सिंह का, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ये है, अधिकारी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जो लोगों को संगीन लोगों को जो पकड़ा जो गया है, इन लोगों को रिम्स या कहीं भी भेजने के लिए प्रक्रिया की जाएगी। अभी बड़े अधिकारी को भी संपर्क किया गया है, वो अभी आएंगे और आने के बाद में इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी ये गाड़ी यहाँ पे है जिसको प्रशासन के द्वारा जो है रोका गया है, J09J7272। मैं इनसे कुछ मैं बात करना मैं चाह रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन खान। कहाँ से अभी आप आ रहे हैं? ये कड़रू से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मदरसा से। कौन सी मदरसा से आ रहे हैं? मदरसा हुसैनिया से आ रहे हैं। अभी कहाँ जाएंगे आप? किस काम के लिए आप जा रहे हैं? कोडरमा जा रहे हैं, बच्चे को यहाँ हॉस्टल में छुट्टी हुआ जो कि यहाँ से लेके जा रहे हैं। आपके पास कोई सरकारी या कोई ऐसा कुछ, आपके पास कोई आदेश या कोई ऐसा कोई पेपर आपके पास है? वो तो पेपर का फोटो कॉपी है, उसी का ओरिजिनल है जो कि है मदरसा में ला रहा देगा। देखा जाए तो आप डबल जो है आगे भी सीट पे आप बैठाए हुए हैं, डबल हैं, 2 है 3 5 2 7 2 9 1 आप मिला करके मतलब टोटल 10 लोग जा रहे हैं। ये तो कानून का उल्लंघन हो गया ना सर? वो दिए मदरसा, ये मदरसा जैसा कि है ये दिखाना चाह रहे हैं, मदरसा हुसैनिया। यहाँ बच्चे कोडरमा ज़िला रांची के रहने वाले हैं, मदरसा से छुट्टी के बाद सवारी का मुनासिब इंतजाम नहीं होने की वजह से हॉस्टल में जा रहे थे। इन बच्चों के गार्जियन लेकर जा रहे हैं, कृपया सहयोग करें। अच्छा ठीक है, मैं प्रशासन से मैं बात कर जाता हूं और ये पेपर मैं प्रशासन को ही मैं सबमिट करता हूं। प्रशासन ही देखेंगे ये पेपर में कितनी सच्चाई है और जाने की अनुमति इनको हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हेलमेट सर, हम जल्दीबाजी में निकल गए। मास्क कहां बांटने जा रहे हैं? यहां पे एक बूढ़े से बैठते उनको देने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से अपना नहीं सर अभी लगा लेते हैं। हेलमेट रखे हुए हैं सर। लॉकडाउन का रांची में कितना असर दिखाई पड़ रहा है आपको? सर ये लमसम 95% आप क्यों नहीं मान रहे हैं सर? सरकार के नियम, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट इतना जो प्रयास जो कर रही है, प्रशासन आप लोगों को हर जगह पे सुझाव दे रही है कि मास्क का यूज करें, तो मास्क का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर ये गलती। अभी क्या लेने के लिए आप आए हुए हैं? दूध है, कुछ सामान कुछ के लिए आए। दूध लेने के लिए आए हुए हैं, मास्क का अगर यूज नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? करूंगा सर। हाँ करूंगा, देर जाते कहीं मिलेगी तो देख देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज जो है जितने भी लोग जो है बंदी के कारण में जितने लोग परेशान हो रहे हैं, गरीबों के लिए जो है बहुत सारा कुछ जो है बेचा जा रहा है, यहाँ पे जो है बांटा जा रहा है। और बांटने के विषय पे मैं चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार गुप्ता। सर कहाँ से हैं सर आप? हम तो चरचौड़ में रहते हैं। तो यहाँ पे भी जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं या मीडिया कर्मी जो हैं, उनके बीच में आप जा रहे हैं
और ये जो भी है उनको पानी के पीने के लिए पानी और ये बिस्किट वगैरह जो है मुहैया आप करवा रहे हैं, इस विषय में आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं सर आप? नहीं, संदेश तो यही देना चाहते हैं कि ये लोग को खाना तो नसीब नहीं हो रहा है, होटल वगैरह बंद है, तो गरीब लोग हैं तो दिल किया कि नहीं जो मिलता है मार्केट में सेलेक्ट कलेक्ट करके दे दे। चूँकि अभी मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था नवरात्रा में 9 गरीब को खिलाना है, आप सक्षम है तो ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है। आज मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैं एक मीडिया से हूँ, खबर 365 से हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि अभी जो आपने जो विकल्प तैयार किया था बहुत देरों से मैं आपको देख रहा हूँ कि सारे लोगों को आप ये पानी वगैरह बिस्किट वगैरह आप मुहैया आप करवा रहे हैं, जितने गरीब लोग उन लोगों का आप सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन को भी ध्यान में रख रहे हैं, उनके लिए भी पानी वगैरह जो है सारा कुछ आप वाटर वगैरह जो वो आप दे रहे हैं, ऐसा आपके मन में कैसा आया सर? मोदी जी का अभी भाषण सुन रहा था तो उसमें उनका भाषण में ये था कि 9 गरीब लोगों को खाना खिलाना है नवरात्रा में, तो पूजा से ज़्यादा कुछ गरीब लोगों से मैं बात करूँगा। आप लोग कहाँ से हैं और यहाँ पे क्या ये यहाँ पे बर्तन पर जो खाना जो बन रहा है क्या आप लोग को असुविधा क्या हो रही है, गवर्नमेंट से क्या मांगे आप लोग? सर हम क्या मांगे, हम तो पेट धंधा पानी करके खाते हैं। कहाँ से आप लोग हैं? हम भोपाल से हैं। भोपाल से यहाँ पे मतलब क्या काम करते हैं? मतलब बेलून धंधा पानी करने आते हैं, 8 महीना आते हैं तो बरसात में चले जाते हैं। तो अभी जो सरकार जो मुहैया नहीं करवा पा रही है ये पानी बिस्किट जितना कुछ देख रहे होंगे, ठीक है, कहाँ सरकार तो कुछ ध्यान दे ही नहीं रही है। ये जो व्यक्ति एक भगवान नहीं है लेकिन एक भगवान के रूप में आप लोग के सामने जो आए हुए हैं, तो इसमें कैसा आप लोगों को महसूस कैसा लग रहा है, ये बिस्किट के पैकेट जो पकड़ने इसको महसूस कैसा आप लोग? अच्छा लग रहा है, उनको कुछ तो भगवान ने दिया ज्ञान, गरीब को कुछ दान पुण्य करे उसके काम में आएगा धर्म। देखिए मैं सरकार से पूरी तरह से अनुरोध मैं करना चाहता हूँ खबर 365 की ओर से कि यहाँ पे सरकार की कोई विकल्प नहीं है, सरकार जो है किसी प्रकार की सैनिटाइजर वगैरह हो गई मास्क हो गई लोग सरकार जो है देने के लिए जो है उपलब्ध नहीं है, प्रशासन के भी व्यक्ति जो है अपनी जगह सुरक्षा के नज़र से तैनात तो ज़रूर है लेकिन किसी प्रकार से सरकार के द्वारा जो है ये मुहैया नहीं करवाई जा रही है। खैर मैं ही भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति सड़क पे आएं, रात्रि के 9:30 बज रहे हैं लेकिन आज की जो स्थिति है यहाँ पे पीसी ज्वेलर के जो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इनको भी बहुत सारी कठिनाइयों को जो है सामना जो है करना पड़ रहा है। क्या नाम हो आपका? नरेंद्र शर्मा। कहाँ से आप हैं सर? बिहार से हैं सर। बिहार से? हाँ। अभी तक क्या पानी की सुविधा है, बिस्किट वगैरह पैकेट कोई भी मुहैया कोई करवाई अभी तक? कोई नहीं करा पाया था सर। की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहीं को विकल्प नहीं, कोई तरफ सरकार की तरफ से भी नहीं हुआ है, प्रशासन की तरफ से भी नहीं हुआ है, रात्रि में बहुत कष्ट होता है। भोजन कर लिए? हाँ, भोजन कर लिए। क्या भोजन किए हैं? रोटी किए सर, रोटी सब्जी। रोटी और सब्जी किए हैं। तो जैसे इस तरह के गण्यमान्य व्यक्ति जो हैं लोगों के सड़क पे आते हैं और आप लोगों को जो है पानी बिस्किट जो हो पाता है वो मुहैया करवाते हैं, मुहैया जब ये करवाते हैं तो कैसा आपको महसूस कैसा होता है, दिल में कैसा लगता है? बहुत सुकून मिलता है सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आप भी तो आशा करते होंगे ना कि प्रशासन कुछ आए, PCR भी खड़ी रहती है लेकिन कुछ मुहैया नहीं करवा पाते, कोई पानी का कोई विकल्प नहीं है, बिस्किट का विकल्प अभी तक तो नहीं हो पाया था सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रांची में स्थिति कम डाउन तो बहुत पहले से ही है और कोरोना वायरस का जो है खौफ लोगों में जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है। जैसे ये एक सिक्योरिटी कंपनी के सुरक्षाकर्मी हैं, ASK कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं लेकिन इन्होंने भी अभी जब मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास भी कोई भी पानी पहुँचाने के लिए या बिस्किट पहुँचाने के लिए या कोई भी सुविधा हमको नहीं मिली है। मैं ऐसे गण्यमान्य व्यक्ति की मैं आशा करता हूँ कि जैसे ये व्यक्ति हैं और लोगों को ये जो सुरक्षा जो प्रदान कर रहे हैं या जो भी इनसे विकल्प जो हो पा रहा है पानी की सुविधा दें या बिस्किट की सुविधा दें, मैं इनके लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता हूँ।
मैं खबर 365 के साथ जुबैर अहमद और मैं ये रात भर ये मैं विकल्प में करूंगा कि आखिर कितने गण्यवान व्यक्ति हैं जो रोड पे रात पे इस 9:30 बजे रहे रात्रि के और लोग जो है रोड पे निकल रहे हैं और कितने लोगों को जो है ये पानी बिस्किट देने का प्रयास कर रहे हैं।